नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे साइंस क्विज के बारे में। पहले भी हम काफी साइंस क्विज डिस्कस कर चुके हैं, तो ये जो साइंस क्विज है ये सिक्स्थ साइंस क्विज है हमारा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और अपने साइंस के बेसिक्स को क्लियर करते हैं या फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज फोर्स ऑफ कोहेशन एंड एडहेशन। तो आपने फोर्स ऑफ कोहेशन और एडहेशन के बारे में जरूर सुना होगा, तो ये होती क्या है, चलिए इसको समझते हैं। अब इसके अंदर आप कोई भी चीज ले लीजिए, तो कोई भी यानी कि अब मान लीजिए कोई गोंद ले लीजिए आप, जो ग्लू है वो आप ले लीजिए। अब उसके मान लीजिए खुद के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो खुद के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस के अंदर चिपके रहते हैं, है ना, आपस के अंदर चिपके रहते हैं। फिर जो है आप इन्हीं का यूज करते हैं मान लीजिए किसी चीज को चिपकाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज है और इसके ऊपर मान लीजिए कोई पेपर आपको चिपकाना है, तो फिर आप उसके ऊपर जो है ग्लू को अप्लाई करते हैं और फिर जो है दूसरी चीज को उसके ऊपर चिपका देते हैं, यही काम करते हैं। यहीं से हम फोर्स ऑफ कोहेशन और एडहेशन को समझ सकते हैं। अब देखिए, जो इसके खुद के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स है जिससे आपस में जुड़े हुए हैं उसको तो हम बोल देते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। और फोर्स ऑफ एडहेशन क्या है, एड करना यानी कि किसी चीज के ऊपर इसको लगाना और फिर किसी चीज को चिपका देना, वो होती है एडहेशन। यानी कि एडहेशन क्या है, मॉलिक्यूल और दूसरे सरफेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है या चिपकने वाली फोर्स है वो चीज। इसी तरह से आप जो है कास्टिंग जब करते हैं, मोल्ड बनाते हैं फाउंड्री के अंदर, तो वहां पर जो है मिट्टी के आप जो है पैटर्न लेकर मोल्ड बनाते हैं, तो मिट्टी के खुद के जो पार्टिकल है उनके बीच के अंदर जो बॉन्डिंग है वो तो है फोर्स ऑफ कोहेशन। और इन मिट्टी के मॉलिक्यूल्स का इस जो बॉक्स की दीवारों के साथ जो चिपकापन है या चिपचिपाहट है या इससे वो जुड़ रहे हैं वो है फोर्स ऑफ एडहेशन। तो आप समझ गए होंगे कोहेशन क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप, और एडहेशन क्या है, ए फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड अदर सरफेस। आप कह सकते हैं कि जैसे कि मॉलिक्यूल्स हैं आप किसी और सरफेस पर उसको चिपका दें, या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच की ये फोर्स होती है, तो एडहेशन ये होता है हमारा और कोहेशन ये होता है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट प्रोड्यूस। साउंड क्या होता है, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म होती है साउंड। और ये प्रोड्यूस क्यों होता है, ये किसी भी बॉडी को जब आप वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन जब किसी बॉडी में होती है तब हमें ये सुनाई देता है। तो अब देखिए वाइब्रेशन है, ये हम कैसे सुनते हैं, हमारे कानों के अंदर भी जो पर्दा जिसको हम बोलते हैं, जो ईयर ड्रम हम वैसे इंग्लिश में उसको बोलते हैं, जो पर्दा है जब उसके ऊपर साउंड पड़ता है तो वो वाइब्रेट करता है, फिर वो आगे सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं, ब्रेन जो है फिर हमें उनको कन्वर्ट करके जो है हमें सुनाई देती है कोई चीज। इसीलिए जो वाइब्रेशन के कारण ही जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, ये हमें ध्यान रखना है, बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। और वाइब्रेशन क्या होती है ये भी आगे समझेंगे। तो ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या है, ओसिलेटरी मोशन होता है हमारा जब एक बॉडी स्लोली मूव करती है टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट इट्स मेन पोजिशन। चलिए इसको समझते हैं। अब मान लीजिए कोई एक पेंडुलम का आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने एक स्ट्रिंग लिया और उसके ऊपर यहाँ पे बॉब को लटका दिया, ये है जो इसकी मेन पोजीशन है, मान लीजिए ए मान लेते हैं। आप इसको यहाँ पे खींच लेते हैं यानी कि इसको आप यहाँ पर ले आए, मान लीजिए बी पोजीशन है। अब यहाँ से आप इसको छोड़ देते हैं तो ये जो है यहाँ से इस तरह से जाएगा और एक दूसरी पोजीशन को गेन कर लेगा, यानी कि ये वाली पोजीशन को गेन कर लेगा, मान लीजिए पोजीशन सी है। अब ये यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से इस तरह से, ये जो मोशन है ये स्लो मोशन है आपको दिख रहा है, और ये क्या है बीच में इसकी बिल्कुल मेन पोजीशन है, यानी कि इस मेन पोजीशन के अराउंड जो है लेफ्ट और राइट में ये इस तरह से जो है मूव कर रहा है स्लोली टू एंड फ्रो मोशन, ये हमारा होता है ओसिलेटरी मोशन। अगर बॉडी मूव करे स्लोली, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्लोली टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट इट्स मेन पोजीशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है, मोशन यही है लेकिन ये थोड़ा फास्ट है, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, ये थोड़ा जल्दी है। अब इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क क्या है, इस तरह का कोई एक फोर्क है, कोई चिमटी आप ले सकते हैं, जब आप उसको किसी सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो इसके अंदर फटाफट से वाइब्रेशन होने लगती है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन होने लगता है, यानी कि ये जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है अपनी मेन पोजीशन से, तो ये क्या है रैपिड मोशन है, ये स्लो मोशन है, तो इनके बीच में ये डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं,
व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? अब इसके अंदर तो लिखा ही गया है पीरियोडिक, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को जो है दोहराए, आप ये कह सकते हैं जो अपने आप को दोहराए, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे घड़ी की सुई है, सेकंड वाली सुई है, वो जो है एक अगर आप पूरा चक्कर उसका ले ले कहीं से भी तो अपने आप को वो दोहराती रहती है, पीरियोडिक मोशन है। पेंडुलम है, पीरियोडिक मोशन है। अर्थ अगर सन के अराउंड जो है चक्कर लगा रही है, पीरियोडिक मोशन है। मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है, दोहरा रहा है एक डिफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पे, पीरियोडिक मोशन है। तो ये सारे पीरियोडिक मोशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ क्या होती है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब देखिए, इसके बारे में जानने से पहले हमें वेव के बारे में पता होना चाहिए कि वेव क्या है। अब वेव क्या होती है हमारी, अगर हम उसको देखें तो इस तरह की होती है, इसी तरह की होती है हमारी वेव। अब जो एम्पलीट्यूड है, अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड होता है ये, यानी कि मीन पोजीशन से अपसाइड ले लीजिए या मीन पोजीशन से डाउनसाइड ले लीजिए, ये एम्पलीट्यूड होता है किसी भी वेव का। तो ये तो हो गया जो हमारा एम्पलीट्यूड है। इसी तरह से अगर इस वेव को हम आगे बढ़ाएं, एक और टर्न ले लेते हैं इसकी, एक और साइकिल ले लेते हैं, तो ये जो है यहां से और यहां तक, यानी कि टू कंसेक्यूटिव इसके जो ये कंप्रेशन होते हैं, इसको भी समझेंगे अभी। अभी आप समझिए कि जो ये क्रेस्ट है, यानी कि ये क्रेस्ट है और ये क्रेस्ट है, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये होती है हमारी वेवलेंथ। इसी तरह से ये आप ले सकते हैं, नीचे भी आप ये भी ले सकते हैं। ये क्या है, ये भी हमारी क्या है, लैम्डा, ये भी वेवलेंथ है। यानी कि टू कंसेक्यूटिव इसको कंप्रेशन बोलते हैं, ऊपर वालों को अभी देखेंगे कंप्रेशन क्या होते हैं, और नीचे वालों को रेयरफैक्शन बोलते हैं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, और मीन पोजीशन से अप और डाउन जो हमारी ये इसकी क्रेस्ट, या ये तो होगी ट्रफ और ये जो होगी ऊपर क्रेस्ट, इनके बीच की दूरी है यहां से क्रेस्ट की और यहां से ट्रफ की, तो ये हमारी होती है एम्पलीट्यूड। तो ये ध्यान दीजिएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्टरबेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, जैसे कि हमने देखा अपसाइड और डाउनसाइड। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू रेयरफैक्शन, कुछ भी आप ले सकते हैं। इनको समझते हैं कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन जो है साउंड वेव के अंदर होते क्या है। चलिए इसको समझते हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने एक ट्यूनिंग फोर्क लिया और इसको आपने किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया, तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो मान लीजिए इसने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, अब इसके पास जो भी पार्टिकल होंगे, अब एयर है, एयर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे तो वो उनके ऊपर ये जो है जब कंप्रेस होगा और एक्सपेंड होगा तो उनके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इस तरह से जो है आपको रीजन मिलेंगे, इस तरह से कुछ रीजन मिलेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो कुछ जो रीजन होंगे, कुछ तो रीजन में आपको पॉइंट मिलेंगे बिल्कुल पास पास, जैसे कि हम ये बना रहे हैं, और कुछ रीजन होंगे उसके अंदर आपको पार्टिकल मिलेंगे दूर दूर। अब इसको ध्यान से समझिए, देखिए आपने ट्यूनिंग फोक लिया, इसको किसी सरफेस से टकराया, स्ट्राइक किया, तो ये जो है इस तरफ जाएगा, इसका ये हिस्सा, और इस तरफ जाएगा, बार बार वाइब्रेटरी मोशन होगा। जब ये इस तरफ आया, जब ये इस तरफ आया तो ये जो है अपने आसपास के पार्टिकल को कंप्रेस करेगा, क्यों, क्योंकि ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा एक तरह की, उसको कंप्रेस कर देगा। तो कंप्रेस रीजन जो होता है इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। तो ये हो गया सी, कंप्रेशन। लेकिन जैसे ही ये वापिस जाएगा, जैसे ही आगे आया, इसने कंप्रेस किया, जैसे ही ये वापिस गया, तो यही जो रीजन है आगे वो जो है उसको एक एक्सपेंडेशन देगा। यहां तो कंप्रेशन हुआ और अगला जो रीजन है वो हमारे मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये वापिस जा चुका है, एकदम से वापिस गया, उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो वो जो हो जाता है वो हो जाता है रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरह से हमारी वेव बनती है। अगर आप इस वेव को देखें तो जो वेव हमारी होगी वो किस तरह से होगी, जो कंप्रेशन है वो इस तरह की होगी, यानी कि ये जो मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पे दिखाएंगे, और रेयरफैक्शन की जो होगी ये इस तरह की होगी। तो ये जो है रेयरफैक्शन है, फिर से जो है कंप्रेशन की होगी और फिर से जो है रेयरफैक्शन की होगी, इस तरह से। तो कंप्रेशन यानी कि ये जो हिस्सा है ये कंप्रेशन है ऊपर वाले, और ये जो है रेयरफैक्शन है, यानी कि जो प्रेशर हाई होता है वो कंप्रेशन रीजन में होता है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास है, प्रेशर बढ़ जाता है। रेयरफैक्शन में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, प्रेशर इसमें कम होता है, तो इसलिए जो है प्रेशर जो है, इस तरह से अगर हम देखें कंप्रेशन का रीजन ऊपर वाला है,
ये वाला सारी वेव ऊपर वाली कंप्रेशन की है, ये नीचे वाली रेयरफैक्शन की है, और एक जगह से दूसरी जगह इसी तरह से साउंड जो है पहुंचता है। मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं करते, यानी कि ये मॉलिक्यूल यहां नहीं आएगा साउंड को लेकर, ये सिर्फ अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा और वापस चला जाएगा, फिर अगला मॉलिक्यूल अगले पे ट्रांसफर कर देगा, फिर वापस चला जाएगा। इस तरह से जो साउंड है वो ट्रेवल होता है, इस तरह से आप वेव के रूप में समझ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या है। साउंड वेव फ्रॉम ए ट्यूनिंग फॉर्क जो हमने देखी, उसके अंदर हमने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को समझा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर रेयरफैक्शन ले लीजिए, वो वेवलेंथ है जो कि हमने अभी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, डज साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपेगेट, क्या साउंड को मीडियम चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए, और क्या ये वैक्यूम में भी जो है चल सकता है। तो इन दोनों का आंसर एक ही है। देखिए साउंड वेव को हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। मैकेनिकल वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है कब पैदा होती है, जब इसके पास कोई मटेरियल मीडियम हो, यानी कि जो एयर है, एयर के पार्टिकल है, वो चीज हो, तभी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। लेकिन अगर हम वैक्यूम के अंदर साउंड को ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे मटेरियल मीडियम है ही नहीं। इसीलिए इसको मैकेनिकल वेव भी बोला जाता है, क्योंकि इसको मटेरियल मीडियम चाहिए मूव करने के लिए। तो बिल्कुल सही है, नीड मीडियम यानी कि साउंड को जरूरत पड़ती है एक मीडियम की प्रोपगेट होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या है। अब हमने वेव को देखा, इसके अंदर हमने वेव को देखा, तो वेव क्या थी हमारी, इस तरह की थी। तो वेव क्या है हमारी, इस तरह की है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम इससे डिनोट करते हैं, न्यू से, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन ए यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगी या वाइब्रेशन कंप्लीट होंगी, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी लेनी है, कुछ भी ले सकते हैं, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन ए यूनिट टाइम, और इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज में होती है। जैसे आपने फ्रीक्वेंसी के बारे में सुना होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतने हर्ट्ज है, तो वो चीज। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन ए यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है। और टाइम पीरियड जो है बिल्कुल इसका उल्टा है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन, कि कितना टाइम लिया इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन। ये क्या है, कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट हुई एक जो गिवन टाइम था उसके अंदर। तो आप जो है इसको बिल्कुल उल्टा मान सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है 1/T और टी क्या है 1/f, कुछ भी आप लिख लीजिए, ये इसका फॉर्मूला आप ले सकते हैं। और इसकी जो यूनिट है, अब ये टाइम टेकन है टू कंप्लीट, तो ये इसकी यूनिट होती है सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड क्या है, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है। अब हम दो वेव बना लेते हैं, एक वेव हमने ये बनाई और एक वेव हम ये बना लेते हैं, इन दोनों से आपको समझ आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड क्या है। अब देखिए इसके अंदर एक साइकिल क्या होती है हमारी, एक साइकिल यहां से यहां ले लीजिए, कंप्रेशन से कंप्रेशन या रेयरफैक्शन से रेयरफैक्शन, या यहां से आप यहां तक ले लीजिए, ये एक साइकिल होती है हमारी, कि एक साइकिल जो कंप्लीट होगी। अब देखिए अगर हम कहें कि इसकी लो फ्रीक्वेंसी है, तो क्या ये सही होगा कि इसकी लो फ्रीक्वेंसी है और इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो क्या ये सही है, ये बिल्कुल सही है। क्यों, लो फ्रीक्वेंसी क्यों है, कि कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक गिवन टाइम में पास करी। अब मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको लाइन को नीचे ले लीजिए इस तरह से। अब देखिए इसकी तो एक ही साइकिल पास की है, लेकिन इसके अंदर तो एक दो साइकिल पास की है, दो से भी ज्यादा, तो यानी कि इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। और इसी तरह से इसकी जो है लो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि गिवन टाइम में ये कम जो है पास कर रही है ऑसिलेशन, या कहें कि ये साइकिल। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है कि मान लीजिए ये जो पूरी साइकिल है, इसने ये जो है कितना टाइम लिया, यानी कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक साइकिल कितना टाइम ले रही है, वो चीज है। तो इन चीजों को आपको बेसिक्स को क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन हियर, हम कितनी रेंज के साउंड सुन सकते हैं, जो ह्यूमन होते हैं हम हैं, कितनी रेंज की सुन सकते हैं। तो ये रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अब देखिए हर्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी की रेंज देखी। लेकिन ये जो 5 साल के बच्चे होते हैं, 5 साल से कम के बच्चे होते हैं, ये जो उनकी हियरिंग जो रेंज है थोड़ी डिफरेंट होती है, वो जो यानी कि इससे इसके बीच में, या कहें कि इससे ज्यादा या इससे कम भी सुन सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ती जाती है, तो वो ये जो रेंज है ये प्रॉपर रेंज हो जाती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो वो केस अलग है
कि उनकी जो कैपेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है उस समय। तो 20 हर्ट्ज से लेकिन जो है 20,000 हर्ट्ज तक ही ये फ्रिक्वेंसी जो है ह्यूमन ईयर हम साउंड जो है इसी फ्रिक्वेंसी के बीच में सुन सकते हैं। वट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रिक्वेंसी? अब देखिए इंफ्रासोनिक साउंड क्या होते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, और अल्ट्रासोनिक साउंड होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। यानी कि ये जो दोनों ही साउंड है ऐसे हैं जिनको हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारी रेंज तो क्या है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। लेकिन इंफ्रासोनिक साउंड क्या है, लेस देन 20 हर्ट्ज, और अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है, मोर देन या ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। तो ये जो है अलग अलग तरह के साउंड होते हैं, लेकिन डिफरेंट तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो इनको सुन सकते हैं। जैसे हमारी जो समुद्र के अंदर जो डोल्फिन है या अलग अलग तरह के जानवर हैं वो सुन सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक आने से पहले जो है वेव प्रोड्यूस होती है, जैसे कि वो हमें तो सुनाई नहीं देती, इंफ्रासोनिक साउंड जो कह सकते हैं आप उसको कि काफी कम लो उसकी होती है, तो वो लेकिन जो कुछ जानवर उसको सुन लेते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड की रेंज ये लगभग होती है। द साउंड रिफ्लेक्ट गिव एन एग्जाम्पल, क्या साउंड रिफ्लेक्ट करता है? रिफ्लेक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे वो समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च है, लाइट की टॉर्च है, और आप जो है इसको यहाँ पे कोई मिरर है, ये मिरर मान लीजिए कि कोई शीशा है, और यहाँ पे जो है लाइट को आप जो है इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब क्या जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है क्या साउंड भी रिफ्लेक्ट हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है लाइट की तरह ही। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है, देखिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं इसका यूज करते हैं डॉक्टर। डॉक्टर के पास आपने देखा होगा जो अपने ईयर्स के अंदर जो एक इंस्ट्रूमेंट वो लगाते हैं जिससे वो आपके जो है लंग्स को चेक करते हैं, आपके पेट के ऊपर लगाते हैं, आपकी पीठ पर लगाते हैं, तो वो जो है उनका साउंड जो है कानों तक पहुंच जाता है इस स्टेथोस्कोप के थ्रू। क्यों? क्योंकि स्टेथोस्कोप के अंदर क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का जो ये ला है वो भी होता है। जैसे इस तरह से स्टेथोस्कोप है, जैसे ही अब वो आपके जो है चेस्ट पे उसको लगाएंगे तो यहाँ से जो आपकी धड़कन है, हार्ट बीट जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर चलती रहती है, और ये जो है डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाती है। तो ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। दूसरा क्या आप कह सकते हैं, मान लीजिए कहीं आप खड़े हैं, आपने देखा होगा कि आपकी आवाज टकरा कर वापिस आ जाती है, तो वो भी तो रिफ्लेक्शन है। तो साउंड क्या है, रिफ्लेक्ट करता है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसके ले सकते हैं। वट इज सोनार? सोनार क्या होता है और विच वेव इज यूज इन सोनार, कौन सी वेव यूज की जाती है सोनार के अंदर? तो सोनार हमारा यूज किया जाता है शिप्स के अंदर, यानी कि जो पानी के जहाज हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब ये इसका यूज क्यों किया जाता है, ये हमारा यूज करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी वेव को ये यूज करता है। देखिए अल्ट्रासोनिक वेव मोर देन 20,000 हर्ट्ज की यूज करता है, किस लिए, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर उसका डिस्टेंस मेजर किया जा सके, कितनी दूरी पे है, उसकी डायरेक्शन क्या है, या उसकी तरफ कोई चीज आ रही है, स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को भी ये मेजर कर सकता है। तो सोनार का यूज यही है, डिस्टेंस, डायरेक्शन या स्पीड को दिखाना किसी भी ऑब्जेक्ट की, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आप इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज इको? इको क्या होती है? इको होती है, देखिए मान लीजिए आप किसी टॉल बिल्डिंग के पास खड़े हैं, और या फिर पहाड़ों में आप माउंटेन्स में खड़े हैं, और या फिर आप किसी टाल बिल्डिंग के पास खड़े हैं, कोई बिल्डिंग है और वहां पर जो है आप जो है क्लैप करते हैं या फिर जो है जोर से चिल्लाते हैं, तो आपके आपको जो है आवाज जाती है और फिर टकराकर आपके पास आ जाती है, तो इसको हम इको बोलते हैं। इफ वी हियर द सेम साउंड अगेन ए लिटल लेटर, बस हल्का सा जो है आप कह सकते हैं, तो उसके बाद मिनिमम जो टाइम होता है हमारा ब्रेन जो इसको सुनता है इस साउंड को वो 0.1 सेकंड का होता है, यानी कि जो डिफरेंस है 0.1 सेकंड का तो होना ही चाहिए तभी हम इसको सुन पाएंगे। तो इफ वी हियर द सेम साउंड अगेन ए लिटल लेटर, वो होता है इको, कि थोड़ी सी देर बाद हल्के से यानी कि 0.1 सेकंड पॉइंट जो इसके बाद जो हमें सुनाई देगा वो इको होती है, सेम साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिवरबरेशन? इको तो हमने समझ लिया, रिवरबरेशन क्या है? रिवरबरेशन है मान लीजिए कोई होल है जहां पर आप लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन आपका जो साउंड है आप बोल देते हैं लेकिन वो साउंड वहीं पर रहता है काफी देर तक, तो वो होती है रिवरबरेशन। रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट रिजल्ट परसिस्टेंस ऑफ साउंड, यानी कि साउंड वहां पर मेंटेन रहता है थोड़ी देर तक, और जब तक वो कम होता नहीं जाता, आराम आराम से कम होता है, और फिर जो है आप कह सकते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है।
तो इस तरह की रिवर्बरेशन अगर होती है कहीं पर तो हमें साउंड एब्जॉर्बर लगाने पड़ते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा या बड़े बड़े लेक्चर हॉल में आपने देखा होगा, साउंड एब्जॉर्बर हमें लगाने पड़ते हैं ताकि ये साउंड प्रदूषित ना करें, ताकि जो सब लोग जो है आसानी से साउंड को सुन सके। तो वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला भी यूज किया जाता है जैसे सिनेमा हॉल के अंदर, कि सब ऑडियंस तक जो है आवाज पहुंच सके। तो रिवर्बरेशन क्या है कि प्रसिस्ट करता रहे, जो साउंड है वो रहे कुछ देर तक और फिर वो खत्म हो, तो उसको रिवर्बरेशन हम बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव है जिसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल है किसी भी वेव के, तो वो जो है उस डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट कर रही है डिस्टरबेंस। चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए, अब देख देखिए इसको ऐसे समझ लेते हैं कि इस तरह से जो वेव है वो चल रही है, तो जो हमारी डिस्टरबेंस है वो इस तरफ चल रही है, और इसी तरह से जो हमारी ये डिस्टरबेंस का मतलब क्या है, जो पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं साउंड के कारण, यानी कि यहाँ पे सोर्स है साउंड का और यहाँ पे हमें उसको पहुंचाना है, तो डिस्टरबेंस के थ्रू ही पहुंचेगा, जो मीडियम के पार्टिकल है उनके डिस्टरबेंस के थ्रू ही पहुंचेगा। अगर डिस्टरबेंस और जो ये पैरेलल चले तो उसको हम बोल देते हैं कि ये जो है, अगर वेव के जो इंडिविजुअल पार्टिकल है मीडियम के वो उसी डायरेक्शन में चले जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो रही है, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल देते हैं, यानी कि पैरेलल हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक स्प्रिंग ले लीजिए, इस तरह से एक स्प्रिंग ले लीजिए और जो है यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए कोई, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट लगा लीजिए, और या फिर कुछ धागा वगैरह बांध दीजिए, स्ट्रिंग वगैरह बांध दीजिए। अब आप इसको खींचिए और फिर से जो है आप इसको छोड़िए, तो जब आप देखेंगे तो ये पॉइंट जो है किस डायरेक्शन में मूव करेगा, डिस्टरबेंस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, और जब आप इस डायरेक्शन में खींचते हैं तो ये जो है इस तरफ आता है, और जब आप इसको कंप्रेस करते हैं ये किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, यानी कि ये पैरेलल चल रहा है, यानी कि ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं मीडियम के वो उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है डिस्टरबेंस, तो वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये थे हमारा साइंस का क्विज। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।